हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। तो यहाँ पे हमने एक बंच पालक ले लिया है। इसे हम उबलते हुए पानी में एक मिनट के लिए बॉईल कर बॉईल हो गया है तो हम इसमें पालक डाल देंगे और इसको सिर्फ एक मिनट तक ही बॉईल करना है जिससे इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। पालक को हमें खुले में ही पकाना है। अगर आप ढक देंगे तो इसकी ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एक मिनट पकाएंगे, वो भी खुला करके। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तब आपको पालक उसमें डालना है और एक मिनट बाद इसे तुरंत ठंडे पानी में डिप कर देंगे तो इसका कलर हरा बना रहेगा। पालक बॉयल हो चुका है और यहाँ पे हमने ठंडा पानी लिया है, इसमें हम तुरंत पालक को डिप कर देंगे। पालक हमारा ठंडा हो चुका है तो इसे हम हाथों से अच्छे से निचोड़ के जिससे पानी इसका अच्छे से निकल जाए प्लेट में रख लेंगे हम। पालक को हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। आप चाहें तो इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन इस ढंग से अगर आप कट करेंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे हमने ले लिया है आधा केजी पनीर, तो इसे हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। तीन मीडियम साइज़ के प्याज और दो टमाटर और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सब की हम प्यूरी बना लेंगे। गैस पर हमने रख दिया है पैन और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून घी। घी गर्म हो चुका है, हम इसमें पनीर को डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। पनीर को अगर नहीं भी फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। दोनों ही टेस्ट अलग अलग होते हैं, अपनी इच्छा पे है। आप चाहें तो फ्राई करें या फिर ना करें, हल्का सा ही हम इसे फ्राई करेंगे। पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। थोड़ा सा हम तेल और डालेंगे इसमें। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे हम इसमें। इसमें हम डाल देंगे जीरा, एक इलायची खोल के, एक सिनेमन का टुकड़ा, 5 से 6 काली मिर्च और एक तेज़पत्ता। इसमें हम डाल देंगे प्याज जो हमने पीस के रखा हुआ था। इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। प्याज को हमें अच्छे से भूनना है। जब प्योरी बनती है तो उसे भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। प्याज भून चुकी है, इसमें हम डाल देंगे छोटा चम्मच से हल्दी, 1/4 चम्मच के लगभग, 1 छोटा चम्मच धनिया, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। और इन सबको हम मिक्स कर देंगे। मसाले पक गए हैं, हम इसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी। मसाले को हमें तेल छोड़ने तक पकाना है। मसाले में हम डाल देंगे थोड़ा सा किचन किंग मसाला, 1/2 टेबल स्पून। इसे हम 2 मिनट ढक के पका लेंगे। मसाले पक चुके हैं, इसमें हम डाल देंगे 1/4 कटोरी फ्रेश दूध की मलाई। इसे कर देंगे मिक्स। साथ में हमने डाल दिया कटी हुई पालक और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। साथ में हम डाल देंगे 1 कटोरी पानी। इसमें हम डाल देंगे टेस्ट अनुसार नमक, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर। साथ में हम डाल देंगे पनीर। लास्ट में हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसे 5 मिनट ढक के पका लेंगे। पालक पनीर हमारा बनके तैयार हो चुका है।